अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तैयब और आज आपके लिए एक ज़बरदस्त एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो यूट्यूब पे मैंने देखा था कि किसी एक आधे बंदे ने वीडियो डाली हुई थी जिसकी सही मालूमात नहीं थी। तो एक नोटिफिकेशन आया हुआ है सब लोगों के पास जो जो एडसन यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो एडमोब यूज़ कर रहे हैं या चाहे वो एडसन यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें इस टाइप का जो है नोटिफिकेशन नज़र आ रहा होगा कि क्रिएट आ GDPR मैसेज। तो ये जो है एक मैसेज आमतौर पे अगर आप लोग काफ़ी लोगों ने इसको ट्रांसलेट भी किया हुआ है कि भी इसका क्या फ़ायदा है, इसको क्या करना ज़रूरी है या नहीं, इसको ज़रूरी कह भी सकते हैं कि हो भी सकता है ज़रूरी या नहीं भी ज़रूरी। ऐसे है कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई थोड़े से दो तीन भी यूज़र कोई यूके यूएसए से कोई आ रहे हैं तो इसके लिए आपको जो है ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको एक फॉर्म क्रिएट करना होगा ताकि उनके लिए एक मैसेज है जो वो उसको एक मैसेज, वो जब भी आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो उनको एक मैसेज मिलेगा जो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं भी इसलिए कह सकते हैं कि क्योंकि ये हमारे ज़्यादातर विजिटर तो हम पाकिस्तानी हैं, तो इंडियन, अगर पाकिस्तानी इंडियन है तो हमारे जो इन्फॉर्मेशन जो है हमारे जो कंटेंट है अगर उस पर पाकिस्तानी ही ज़्यादा लोग हैं या इंडियन हैं तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं भी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मैसेज जो ऊपर आया हुआ है, क्योंकि ये इस टाइप का मैसेज है, बड़ा सा एक डर सा लगता है कि यार पता नहीं क्या चीज़ होगी ये, पता नहीं क्या करना है, तो इसलिए आप इसको अगर ख़त्म करना चाह रहे हैं कि ये डिस्पेयर हो जाए तो उससे पहले आपको एक मैसेज छोटा सा ही काम है ये क्रिएट कर लें। एक तो ये है कि आपका वो बन भी जाएगा, उनकी जो रिक्वायरमेंट सभी पूरी हो जाएंगी और ये पेज भी वहाँ से हो जाएगा पूरा। अब करना क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है क्रिएट अ GDPR मैसेज, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है कुछ चीज़ डिटेल्स वगैरह आएगी हमारे पास, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करता हूँ। ये देखिए, आप जैसे क्लिक किया हमारे पास ऐसे आ जाएगा, मोबाइल पे भी बिल्कुल ऐसे ही शो होगा। फिर आपने करना है क्रिएट अ GDPR मैसेज पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर आप अपनी लैंग्वेज यहाँ पे कोई सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप जो कंटेंट है वो मेरा है इंग्लिश, मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सिलेक्ट साइट्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पे आपके पास जितनी भी साइट्स आ रही हुई हैं आपने उन सब पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये तीन चीज़ें दी गई हैं, इन तीन चीज़ों को आपने फिल करना है। सबसे पहले है लोगो। अब लोगो कैसे मिलेगा, मैं यहाँ पे वो वेबसाइट ओपन कर लूँगा, ये लोगो है, इस लोगो को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मैं अभी जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ लोगो को। उसके बाद यहाँ पे ऐड लोगो पे मैं क्लिक करूंगा और वो लोगो यहाँ से अपलोड कर दूंगा और इसके बाद यहाँ से ओके। अब वो कह रहा है कि जी प्राइवेसी पॉलिसी का यहाँ पे आपने यूआरएल डालना है। अब आपकी वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल तो बना होगा, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है। मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करूंगा, यहाँ से इसका लिंक कॉपी करूंगा और उसके बाद वापस यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे इसका यूआरएल मैं डाल दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे सेव कर दूंगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे साइट्स का नेम जो है वो आपने यहाँ पे डालना है, तो मेरा साइट का जो नाम है ना वो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद यहाँ से सेव कर दिया। अब ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दूंगा और ये देखिए जी हमारी यहाँ पे डिटेल इसकी यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद नीचे आ जाना है। आपने नीचे आने के बाद यहाँ पे जो ये चीज़ें आ रही थी यूज़र कॉन्सेंट ऑप्शन, इनमें से आपने ये सेकंड वाला क्लिक करना है और उसके बाद ये थर्ड पे दिया गया क्लोज डू नॉट, और इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है आपने। नीचे आने के बाद ये ऐसे ही रहने दे देना है आपने। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिव्यू, आप अगर एडीएक्स आपका अप्रूव है या इस वे या कोई भी आपने कोई थर्ड पार्टी कोई आपने जो ऐड पार्टनर इसका जो होता है वो कोई आपने अप्रूव करवाया है तो वो आप इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा है, वो भी वो सिलेक्ट कर लेना आपने, ठीक है। अगर नहीं सिर्फ आपका एडसन नहीं है तो उसको फिर ऐसे ही रहने देना है। और उसके बाद फिर आपने ये पर्पज़ आ रहा होगा, इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करके नीचे से कंटिन्यू के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा सा ये टाइम लेगा और हमें एक मैसेज मिलेगा जी आपका जो है मैसेज रेडी हो चुका है। इस टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये करना है, इन दोनों को ऐसे ही आपने ऑन रहने देना है और यहाँ पे जो है इसको आपने ऑफ कर देना है, इसको भी आपने ऑफ कर देना है।
ठीक हो गया। ऑफ करने के बाद हमारी आज चीज़ें कंप्लीट। अगर आपको स्टाइल में कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे स्टाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप इसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये है, इसको मैं कह देता हूँ जो बोर्ड ऑलरेडी सब कुछ ठीक ही है, ये आप वैसे ही रहने लीजिएगा। इसको अगर आपको अंदर कोई डिज़ाइनिंग करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो जैसे आप चाहें, लेकिन मैं अभी इसको नहीं करना चाह रहा, मेरे लिए यही ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। और उसके बाद ये हमें एक मैसेज यहाँ पे मिलेगा, तो ये देखें जी, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से ये पब्लिश भी हो गया है स्टेटस, और यहाँ से पब्लिश है। अगर आप इसको ऑफ करना चाहें तो यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पब्लिश है और ये सारी डिटेल है हमारी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे परसेंटेज और सारी चीज़ें जो है, यूके की ट्रैफिक या जो है जो भी आ रही होगी, यहाँ पे परसेंटेज बताएगा, या उनको कितना मैसेज शो हुआ है वो भी आएगा, ये उनके लिए। लेकिन आप इसको लाजमी कर लीजिएगा, ये 24 घंटे के अंदर अंदर जो है आपका ये मैसेज यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये एक मालूमात है, तो उम्मीद करता हूँ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिन्हें मसला आ रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।